बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के सामने छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। नॉर्मली आज दोपहर में मेरा अम्मी ने ऐसे कद्दू के साथ मीट के साथ कुछ बनाना चाहते थे। अम्मी कद्दू काट के रखा मीट के साथ बनाने के लिए, और बाद में छील के नॉर्मली बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, मगर हम लोग बंगाली लोग इसका भुजिया भी बना के खाते। तो मैं सोचा अम्मी को बोल दूं कि एक वीडियो बना लेते, छोटी सी वीडियो, इसलिए आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो इसमें मैं कद्दू का जो छील के है मैं दिखाती हूँ। सारे छील के उतर के रख दिया। एक कद्दू था, सारे कद्दू का छील के है, और ये छिलके के साथ मैं आलू का बारीक कट काट करके इसके साथ मिला के एक भुजिया बनाऊंगी। और इसमें मैं डालूंगी प्याज, थोड़ा सा ग्रीन चिली और लहसुन, और मसाला में सॉल्ट और जीरा, हल्दी और थोड़ा सा कुटी मिर्च। नॉर्मली हम लोग ऐसे हल्दी और सॉल्ट के साथ ही बनाते हैं, मगर मेरे अम्मी थोड़ा सा शार्प खा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए ऐसे चिली डाल दिया। मैं अभी ये छिलके को कैसे छोटे छोटे बारीक काटते हैं मैं दिखाती हूँ। मैं पहले ले लेती हूँ सर। आप पहले वीडियो ना बनाए, मैं पहले इसको ठीक। मैं सारे छिलके को एक साथ एक जगह पे लंबा करके ऐसे रख रही हूँ कि बारीक कर सको। इसमें छिलके इतना ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक ही कद्दू थे, तो एक कद्दू भी बहुत छोटे थे, इसलिए ज्यादा छिलके नहीं बना, थोड़ा सा ही है। इसको मैं फिर बारीक कर रही हूँ जी। कद्दू में ऐसे तो बहुत विटामिन होते हैं, और सारे लोग ऐसे छिलके के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि छिलके भी खा सकते हैं। तो छिलके में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। आप लोग अगर चाहे तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग भी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह देखेंगे कितने मज़े के बनते हैं। चलो रुको, मैं छिलके को ऐसे बारीक काट लिया। अभी इसको जलाती हूँ। मैं इसमें फ्राई पैन में भी बनाऊंगी। फ्राई पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा ऑयल डालने का ज़रूरत नहीं है, भुजिया में इतना ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं होता है सेहत के लिए। मैं पहले ये जो लहसुन है उसको प्याज के साथ थोड़ा सा ब्राउन कर लो। मैं इसमें प्याज को इतना ब्राउन नहीं किया, क्योंकि सारी चीज़ जब मिक्स करके एक साथ में डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता भजे ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। तो जीरा भी डाल देती हूँ साथ में, और नमक आप लोगों का टेस्ट के हिसाब से डाले। मैंने इधर ज़्यादा रखा, सिर्फ मैं चमचे से थोड़ा सा डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी डाली हो, पुदीने से, अब मैं आलू को भी डाल देती हूँ, और इसको भी खाती हूँ। ग्रीन चिली भी साथ में, एक साथ में सारे कुछ डाल दिया। अभी इसको ही हिलाते रहेंगे। चूल्हे का आँच थोड़ा सा कम कर दिया, नहीं तो सारे जल जाएंगे। देखो कितना आँखें पहले लग रहा है। मैं ऐसे हम लोग
रोटी के साथ भजिया बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को ऐसे छोटा छोटा वीडियो भजिया का दिखाती हूँ, आप लोग ना सोचे कि क्या खाते तो वीडियो अगर आप लोग बना के देखे घर पे इस तरह का भजिया रोटी के साथ खाने में मज़ा आता है। वो भी पहली दफ़ा पता चल रहा है ना कि कद्दू के छिलकों से भी सारा मिला आ सकती है। हाँ जी, हमने भी कह रही थी कभी भजिया नहीं खाया ऐसे, हमारे देश में बांग्लादेश में हम लोग कभी कभी खाते हैं। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, कितना अच्छा कलर लग रहा है। सेब के लिए तो मुझे लगता है हम छिलके जो उतार देते हैं इसी में सारे विटामिन होते हैं। ये कद्दू है और साथ इसके छिलके पकने, देखे कितना मज़ा आ रहा है। आलू के छिलके भी अगर हम ना उतारें उसमें भी बहुत विटामिन होते हैं, लेकिन हम लोग छिलके अभी मगर जो आलू का नया आलू आते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे, हम लोग ऐसा भी करते हैं छिलके ना उतर के फ्लाइस के साथ ऐसे मिर्च के साथ बना लेते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। हम सारे विटामिन जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं, तो जो अंदर से होता है आलू के छिलके तो उतार देते हैं, विटामिन तो उसी में होते हैं सारे। बल्कि मज़ा आ रहा है इस तरह का वीडियो बनाए। चले देखे मैंने बना लिया, ये थोड़ा सा ही था इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा बन गया, सिर्फ अम्मी को चखाएंगे कि किस तरह का ऐसे छिलके के साथ भजिया होता है, तो अम्मी पहले खा के पहले देखेंगे कि अगर मज़े का बने तो ये वीडियो हम लोग छोड़ेंगे यूट्यूब में छोड़े, नहीं तो अगर मज़े का ना बने फिर नहीं। देखने में इतना अच्छा लग रहा है और यकीन करें मुझे बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा कि ये कद्दू के छिलके हैं, कि वो भी इतना अच्छा टेस्ट आया है, क्योंकि जैसे हम फलियां बारीक काट के आलू में डालते हैं और बिल्कुल नहीं लग रहा, अगर किसी को बताएं ना कि इसमें क्या डाला हुआ है तो बिल्कुल नहीं कोई पहचान सकता कि क्या है, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना। तो मैं खा के भी बताती हूँ, पराठा साथ बनाते हैं तो उसके बाद। चले मैं अभी प्लेट में डालती हूँ ये रोटी, रोटी भी साथ में रखूँगी। देखे बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला, पानी का छींटा भी दिया, कोई पानी पानी भी नहीं दिया था ऐसे मैंने जी। देखे ये अभी बन गया, ये भजिया आप रोटी के साथ सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, अभी पराठा बनाया तो पराठा के साथ भी खा सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे सुबह नाश्ते पे खाए, नहीं तो शाम को भी कोई कोई लोग रोटी खा लेते हैं तो रोटी के साथ भी मज़े का बनते हैं, राइस के साथ अगर खाना चाहे वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग घर पे बनाएं और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बोले कि कैसे लगा आप लोगों को जी। अम्मी अभी थोड़ा सा ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसे बना है, ये मैंने अभी चखी है, यकीन करें इतना मुझे मज़ा आया ना, तो इस तरह इंशाल्लाह हम कभी भी अब छिलके ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए हम कद्दू काट के तो बाद में हम लोग, मैंने ये गोश्त में डालना था तो कहने लगी मेरी बहू, कहने लगी कि मैं इसका कुछ बनाती हूँ, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इसका क्या बनेगा, हम तो सीधा कूड़े में फेंक देते हैं, तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छिलकों को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसमें सारे विटामिन होते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी, तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें इस रेसिपी से। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, ये पराठे साथ बनाए हैं, पराठों के साथ खाने लगे। वैसे तो ये गोभी के पराठे हैं लेकिन हमने कहा चलो इसके साथ आज खाते हैं। हाँ जी, आप लोग रोटी पराठा जो भी जिसके साथ ही खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे, तो हम लोग को आप दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।